कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी ना मैं मेहंदी लगवाने गई थी और ये करवा चौथ से एक दिन पहले की छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद आज है करवा चौथ वाला दिन। तो मैं अभी यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, और रेडी होने से पहले मैंने जितना भी पूजा का जो सामान होता है वो तैयार किया है, यानी कि जो खाना बनता है वो सारा का सारा मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। और उसके बाद मैं हुई हूँ रेडी, और बस थोड़ा सा ही समय रह जाता है मतलब चांद निकलने में, क्योंकि मेरे को खाना बनाने में पूरी तैयारी करने में बहुत समय हो गया था। लेकिन हाँ, मैंने वीडियो शूट की है, अपनी टोरिंग्स की भी वीडियो शूट करके रख ली है, और जो मैंने महावर लगाई है ना वो भी शूट कर ली है, और उसकी वीडियो आपको आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद आपको टोरिंग्स की या फिर अल्ता वाली वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और टोरिंग्स वगैरह मैंने डाल लिए हैं, ये कांसे के ही टोरिंग्स हैं क्योंकि मैं चांदी की बिछिया नहीं पहनती हूँ। और अभी मैंने पाजेब चेंज नहीं की है, तो जो मैं वेयर की हुई थी वही पहनी हुई हूँ, मैंने दूसरी पायल नहीं पहनी है और ना ही मुझे चेंज करनी थी पायल। और अभी ना मैंने अपने पैरों में महावर भी लगा ली है, और जब सुहागन स्त्री 16 सिंगार करती है ना, तो सबसे मेन इसमें महावर का भी रोल होता है। तो महावर, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, चूड़ी, ये तो बहुत ही मेन है। तो मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, और यहाँ पर अभी ना चाँद निकल आया है, तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और मैंने पूरा सिंगार किया है, लेकिन हाँ मैंने मांग में जो क्या लगाते हैं टीका, मतलब मांग में वो मैं भूल गई, मांग में वो टीका लगाते हैं वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने लगा के देखा लेकिन मुझे उस समय अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो नहीं लगाया है। और मैं सिंदूर तो हमेशा सूखा ही भरती हूँ अपनी मांग में, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लाल कलर का सूखा सिंदूर। पहले मैं गीला लगाती थी, लेकिन फिर मुझे गीले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, मतलब जो सूखा ड्राई सिंदूर होता है वो वाला। हाँ, कहीं हम बाहर जाते हैं अगर बारिश में ये मतलब बह जाता है, वो मैंने भी देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सिंदूर। और यहाँ पर मैं ना अपनी पूजा कर रही हूँ, और बच्चे भी छत पर हैं, इधर हस्बैंड सामने खड़े हुए हैं। तो आप लोग मेरा पूरा का पूरा व्लॉग देखिएगा, और कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हस्बैंड ने ना यहाँ पर कपड़े चेंज नहीं किए हैं, जो वो पहने हुए थे दिन में वही कपड़ों में वो पूजा करा रहे हैं। ऐसा था हमारी फैमिली में अभी थोड़ा सा कुछ मतलब हो गया, तो उसकी वजह से इनका भी जो थोड़ा मूड है ना वो अपसेट है, मतलब हमारी मतलब परिवार में ही लगती हैं। तो आज मतलब खबर आई थी कि चाची जी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये त्यौहार ऐसा है कि करना होता है, सभी लोगों ने ये त्यौहार किया है, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ इस तरह से नहीं किया। हम मतलब इनका भी मूड ठीक नहीं था, और जैसे ही मुझे इन्होंने ये बताई थी ना, तो सच बताऊँ तो मेरे को अंदर से मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ किसी की ऐसी खबर सुनती हूँ। तो इन्होंने मुझे बाद में बताई थी ये बात, जब पूजा हो गई थी मैंने इनसे कहा था कपड़े चेंज कर लो, लेकिन इन्होंने मतलब टाल दिया बात को, कहा कि नहीं ऐसे ही कर लो पूजा, आज मन नहीं है कपड़े चेंज करने का। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने भी फोर्स नहीं किया, लेकिन जब पूजा करके हम लोग आ गए थे तब इन्होंने मुझे बताया था, तो मुझे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर ये पहले ही मुझे बताते तो, क्योंकि मेरा भी मूड पूरा ख़राब हो जाता, और मुझे इन्होंने नहीं बताई थी ये बात। और चाची जब ख़त्म हुई थी तो यहाँ पर नहीं थी, वो लखनऊ में थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में मतलब एडमिट थे, तो लखनऊ से उन्हें लेकर आ रहे थे, इन्होंने मुझे बाद में बताई थी सारी की सारी बातें। तो फैमिली में ही लगती हैं मतलब वो, तो इसलिए और ज़्यादा मतलब वो हो रहा था काफ़ी, तो ये भी परेशान थे, मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, क्योंकि इन्होंने इतना मतलब सैड तो लग रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था ये। तो उसके बाद मैंने अपनी पूजा की, और आप लोग प्लीज़ व्लॉग देखिएगा, क्योंकि आगे मैं फिर सॉन्ग लगा दे रही हूँ, इसे म्यूज़िक लगा दे रही हूँ।
सब लोग का डिनर हो गया है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड भी टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे मैं वॉश कर दिए हैं मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना है तो फिर किचन क्लीन रहेगी ना तो अच्छा रहेगा, आराम भी रहेगा, इतना मेरे को गंदा गंदा नहीं लगेगा। और अभी बस अदरक वाली चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन सच बताओ बनाने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे अंदर एनर्जी लो हो रही है, एनर्जी लो मतलब सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर सा मेरे को लग रहा है ना, मुझे चाय सिर्फ अपने ही हाथ की अच्छी लगती है, अगर तनिषा बनाएगी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं देख अगर मेरा मन नहीं माना ना तो मैं चाय बनाने आ जाऊँगी, लेकिन आज का वीडियो मैं अपनी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।